हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। बंगाईगांव असम के निचले हिस्से में स्थित जिला बंगाईगांव का गठन वर्ष 1989 में किया गया था। ग्वालपरा और कुकराजार के कुछ क्षेत्रों को बंगाईगांव बनाने के लिए लिया गया था। हालांकि जिले का गठन हाल के दिनों में हुआ था, लेकिन इसका एक समृद्ध अतीत है जो प्राचीन काल से है। निचले असम का दूसरा सबसे बड़ा शहर बंगाईगांव शहर है। शहर में कोई ऐतिहासिक स्मारक है जो असमिया संस्कृति और विरासत को दर्शाते हैं। बंगाईगांव में घूमने की जगह अभयानगरी। यदि आपकी आंखें हरे रंग के लिए तरसती है और आपका मन एकांत के लिए तरसता है, तो आप अभयापुरी को अपने बंगाईगांव के दौर पर अपना पहला गंतव्य बनाना चाह सकते हैं। पहाड़ियों और घने प्राकृतिक जंगलों से घिरा बंगाईगांव जिले का प्रमुख आकर्षण है। जगह का एक समृद्ध अतीत है। काकीजाना प्रपोज्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी। बंगाईगांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काकीजाना प्रस्तावित वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1966 में आरक्षित वन घोषित किया गया था और वर्ष 1999 में इसे वन्यजीव अभयारण्य में बदल दिया गया था। यही नदी के तट पर स्थित अभयारण्य विभिन्न जानवरों और पक्षियों का घर है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवरों में तेंदुआ, सुनहरा लंगूर, हर्नबिल, अजगर, नेवला और बार्किंग हिरन शामिल है। जोगी गुफा और पंचरत्न। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित जोगी गुफा और पंचरत्न बंगाईगांव असम में दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। पंचरत्न दक्षिण की ओर स्थित है, जबकि जोगी गुफा ब्रह्मपुत्र नदी के तट के उत्तरी किनारे पर स्थित है। ये प्रसिद्ध स्थल जो एक दूसरे के आमने सामने है, चट्टानों को काट कर बनाए गए कोई क्यूबिकल है। रॉक कट केव्स। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित रॉक कट केव्स असम में प्राचीन काल में प्रचलित रॉक कट आर्किटेक्चर के शानदार नमूने हैं। गुफाओं में मूर्तिकला की आकृतियां देखने को मिलती है। नदी के किनारे स्थित पांच गुफाएं शाल स्तंभ काल की है। तमरंगा लेक। पक्षी विज्ञानी के स्वर्ग होने के वर्णन के अनुसार तमरंगा झील साल भर प्रवासी पक्षियों की एक विस्तृत विश्रृंखला को आकर्षित करती है। ये प्राकृतिक झील दो झीलों के मिलने से बनी है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ के पानी से झील को पानी मिलता है। झील बिष्णुपुर के पास स्थित है। कोचुगांव गेम रिजर्व। 214 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला कोचुगांव गेम रिजर्व कुछ दुर्लभ प्रजातियों जैसे सुनहरी लंगूर और चिंतीदार हिरन का घर है। आप हाथी और गौर भी पा सकते हैं। कोचुगांव गेम रिजर्व असम के वन विभाग के रक्षण में है। बागेश्वरी हिल। बागेश्वरी हिल बंगाईगांव शहर से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। एक गुफा के अंदर भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों से भक्तों को आकर्षित करता है। बागेश्वरी मंदिर और बाबा तारकनाथ मंदिर गुफा के दोनों ओर दिखाई देते हैं, जो इस स्थान के धार्मिक महत्व को बढ़ाता है। बंगाईगांव में यात्रा का अनुभव निश्चित रूप से आपके जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है। हालांकि ये सब एक औद्योगिक केंद्र के रूप में अच्छी तरह से विकसित हो गया है, लेकिन इसने अपना प्राकृतिक आकर्षण नहीं खोया है। हरी भरी हरियाली और प्राकृतिक वातावरण अच्छी तरह से संरक्षित है। शहर के केंद्र में स्थित टाउन पार्क शहर को हरा भरा और प्राकृतिक बनाए रखने के इरादे के प्रमाणों में से एक है। वीडियो के बारे में अगर आपको कोई शिकायत है तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे जानकारी के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।